Assalamualaikum guys, welcome to the gaming video of UW Mafia Players। तो guys मैं हूँ UW Mafia Players की तरफ से आपका host Black Dronzer। तो guys ये वीडियो में बेसिकली हमारी एक इंट्रेंस फाइट होगी स्क्वाड के साथ शानिया के अंदर, और ऐसी ज़बरदस्त फाइट होगी कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग बंदे नॉक भी होंगे, गिरेंगे भी और स्क्वाड भी वाइप आउट होगी। तो आपने इस वीडियो को यार पूरा देखना आखिर तक, चाहे 10-10 सेकंड आगे करके देखते रहो ठीक है, लेकिन लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है यार चैनल को, बिकॉज इट्स अ सपोर्टिंग स्टफ़ फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ये तो आप सब भी जानते हैं यार। तो इस तरह फिर हमारी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी जिसके अंदर हम फाइट्स दिखाएंगे। तो बेसिकली इस वक्त मेरे पास ना हेलमेट है ना जैकेट है, चले जैकेट मिल गई। अब इस वक्त ना फाइटिंग हो रही है साइड पर और गटा मैंने पकड़ी है, मेरी पिंग बहुत हाई है, तो कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर स्टेप डाउन बैठा रहूँगा जब तक मैं कोशिश करूँगा कि शायद मेरी पिंग कुछ वापस आ जाए और नॉर्मल प्ले हो जाए। असल मसला ये था कि मुझे इनवाइट किया था इन इंडियंस ने रैंडमली, तो इनका सर्वर था एशिया, मैं मिडल ईस्ट में प्ले करता हूँ, तो एशिया में मेरी पिंग भाई जो आती है एवरेज वो 200 है, तो यहाँ पर तो 399 396 चल रही थी, यानी कि 399 या 396, तो मेरे फ्रेम भी ड्रॉप हो रहे थे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ था क्योंकि सामने मेरे इस वक्त राइट साइड पे फाइट हो रही थी और अंदाजन बंदे हमारे ख्याल से तो इतने नहीं उतरे थे यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा था कोई ना कोई स्क्वाड पहले उतर गई है, तो वही हुआ जो बाद में बंदे उतरे थे हमारे साथ वो सारे एक एक करके जाते जा रहे थे उस स्क्वाड के हाथ से। तो मैंने मौका गनीमत जाना, मैंने कहा यार थोड़ा बैठ ही जाते हैं, ज़रा फाइट ही देख लें कि क्या करते हैं क्या नहीं। तो अभी तक तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, ज़रा कुछ हमारे फ्रेम अच्छे हो जाएं, क्योंकि फ्रेम में इसका बड़ा मसला हो रहा था, मैं चीज़ें दो दो दफ़ा क्लिक करके उठा रहा था और दरवाजे के अंदर होता था बाहर होता था, तो इस तरह के काम हो रहे थे। अरे वो भाई चिल्ला चिल्ला के जो नंबर टू है इस वक्त कह रहा है यार सामने बंदे हैं उधर ना जाना, उधर ना जाना, कोई बंदे हैं, तो वो तो मुझे नज़र आ रहा था वो फाइट कर रहे हैं। यार अभी तक ना मैं यही अंदाज़ा कर रहा हूँ कि बंदे किस किस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर बैठ के, और मुझे इतना अंदाज़ा यहाँ से हो गया कि जो मेरे राइट साइड पे तीन बंदे उतरे थे वो तीनों फिनिश हो चुके हैं, स्क्वाड का एक भी बंदा नहीं गया, बच गए हैं वो, यानी एक बंदा भी इनका नॉक नहीं हुआ, और स्क्वाड जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है राइट से बिल्कुल मेरे फ्रंट साइड वाली बिल्डिंगों पे, यानी कि जो निशानियाँ के आपको पता है कि रोड आती है रोड के पार वाली बिल्डिंगें छोड़ के जो पीछे वाली बिल्डिंग है ऊंची इस तरह की, वहाँ पर वो बैठे हैं खात लगा के मार लिए, क्योंकि उनको ये तो पता है हम भी उतरे हैं इधर, भाई ऐसी बात नहीं है। अब वो हमारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं और हम माशाल्लाह अभी गटा लेके फिर रहे हैं और शॉटगन और सामान ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए, पिंग तो हमारी कम एवरेज से भी एवरेज पे भी नहीं गई बल्कि, तो मूवमेंट मैं आस्ते आस्ते चेक करता रहा हूँ बीच में अपनी कि यार मूवमेंट वगैरह हो रही है, ताकि फ़ाइट हो तो कुछ ना कुछ तो उनको डैमेज हो ना। अभी मुझे एक और बात कंफर्म करनी थी कि यार कोई सोलो प्लेयर तो नहीं है, वो यही ना हो कि थर्ड पार्टी करे अच्छी वाली फाइट में, जो किया कराया वो सारा उठा के ले जाए। तो कभी भी आप लोगों ने ऐसी फ़ाइट करनी हो ना तो डायरेक्ट फाइट में ना गुस्सा करें, आप लोग ये देखा करें यार कोई सोलो बंदा तो नहीं है यार, वो आखिर में आके निकाल दे सारा कुछ ही और आपकी सारी मेहनत उसके हाथ चली जाए। इस वक्त तो फ़िलहाल मैं इधर एज अ सोलो प्लेयर फिर रहा हूँ, मैं भी इसलिए एज अ सोलो फिर रहा हूँ कि अगर कोई सोलो हुआ तो वो कहेगा अकेला बंदा है मारो इसको किल लो, तो वो फायर करेगा मुझ पर। देखिए अब ये हमारे जो नंबर वन और नंबर टू हैं दोनों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यार उतर ना जाओ, बंदे बिल्कुल सामने आ गए हैं वहाँ पर फायरिंग पे कर रहे हैं, असल में ना उन्होंने इनको देख ली थी इनके मूवमेंट, तो वो स्क्वाड वालों ने ना रेंडम वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी। तो उस स्क्वाड का एक 30 मार खान बंदा एक काम करेगा,
वो अकेला ही हम तीनों को मारने के लिए आएगा, अभी आप आगे देखेंगे इससे। अब मुझे कन्फर्म हो गया था कि जो मेरे राइट साइड पे एक नीली ऊंची बिल्डिंग है वहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं है और थर्ड पार्टी का इधर कोई हिसाब नहीं होने वाला। अब जो भी फाइट होगी वो आपस में ही होगी और आमने सामने होगी, लेकिन अभी भी मेरे पास गन्स हो नहीं थी कि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था कि एक स्क्वाड को अच्छी फाइट दे सकूँ। तो मैंने कहा चले गन चेंज करें, P90 बाइजन उठाएं। और P90 बाइजन बड़ी ज़बरदस्त गन है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज़बरदस्त गन है। M4 से तो अच्छी है। चलें जी, अब उसने किया था मार्क। जब उसने मार्क किया तो मैंने कहा अब निकलते हैं उनकी तरफ, क्योंकि नंबर 1 की हेल्थ हो गई थी डाउन और वो नॉक भी हो गया था, और जो नंबर 2 था वो खामोश बैठा हुआ था और सिर्फ उसके फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। वो उसको रिवाइव भी नहीं करवा रहा था और फायर पे फायर करते जा रहा था। तो मुझे ये था कि कहीं इस चक्कर में ये भी ना नॉक हो जाए और वो दोनों को फिनिश ना करके ले जाए। नंबर 4 पर ही वो साइड वाली बिल्डिंग में बैठा सारा कुछ देख रहा था, वो भी रश नहीं कर रहा था। वो मेरे ख्याल से ये सोच रहा था कि सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे, इनको मार के लूट करूँ के तो तब मैं मारूँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ये जो स्क्वाड है ना इसको वाइप आउट करना ही करना है। तो ये भाई बार बार कह रहे हैं कि यार मुझे रिवाइव करवा दे भाई मुझे, और वो आगे से कह रहे हैं नहीं यार वो बद्दा ऊपर ही है उसको मारूँगा मारूँगा। तो मुझे अब गन मिल गई थी P90 बाइजन और AKM, तो मैंने कहा यार अब सामान भी मिल गया है, हेल्थ का भी थोड़ा बहुत इंतज़ाम हो गया, तो चलें अब। तो जाने से पहले मुझे लगा कि यार बंदे सारे के सारे इन पर नहीं हैं। इसके पीछे मैंने बैठा तो मुझे एक बंदा नज़र आया ऊपर छत के। मैंने कहा यार सारे नहीं हैं इधर, ये तो अकेला ऊपर फिर रहा है, बाकी किधर हैं? तो भाई जान इस घर में अंदर जाते मैंने एक बंदा देखा सामने बिल्डिंग में पीक कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो रैंडम फैले हुए हैं, है तो पूरी स्क्वाड है लेकिन ये अकेला मारने आए हैं हमें आगे नीले बिल्डिंग में। मैंने तो इनके लोकेशन निकालनी थी, तो वो भाई अब रिवाइव करवा रहा था मेरी स्मोक के बाद, क्योंकि वो कन्फ्यूज हो गया था ऊपर वाला कि यार ये 2 नहीं हैं और भी हैं। अब यहाँ पर मैं इधर उधर देखा तो मुझे सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में एक बंदा नज़र आया पीक कर रहा है बार बार। मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया है, ये एक अगली बिल्डिंग में है और पीछे भी 2 हैं मेरे ख्याल से, 2 ही हैं, क्योंकि एक अगर पीक कर रहा है तो एक पीछे बैठा होगा उसके बाद के कोई एक नॉक हो गया तो रिवाइव करवा लें। जो स्क्वाड्स प्ले करती है ना प्रोफेशनल, वो अपने सारे बंदे नहीं नॉक करवा के बैठ जाती, वो बड़े तरीके से प्ले करती हैं और ये बड़े तरीके से प्ले कर रही थी स्क्वाड। अभी जो एक भाई मारने आए थे इतने मारे, एक बंदा तो नॉक करने में कामयाब हो गया ठीक है, और मैं माशाल्लाह इधर लूट कर रहा था, मुझे तो गोलियाँ चाहिए थी। अब मसला ये था कि पिंग हाई होने की वजह से मेरे फ्रेम मिस हो रहे थे, ये भाई नीचे आते हुए मुझे फुट स्टेप ही नहीं नज़र आए, लेट इतनी लेट नज़र आए कि जब मेरे पीछे ही आया तब मुझे पता लगा ये आ गया। तो मैंने फिर अब्रप्टली जो मुमकिन हो सका अपनी फाइट के अंदर मैंने अपनी कोशिश लगाई और P90 बाइजन ने भी अपना काम दिखाया, जैसे मैं कह रहा था अच्छी बली गाना P90 बाइजन। तो ये AKM वाला भाई था फिलहाल। लेकिन अब मसला ये था इस बिल्डिंग में मैं लूट इसकी आसानी से नहीं कर सकता था, क्योंकि फाइटिंग के दौरान मुझे सामने से भी गोलियाँ पड़नी थी और वो ये वही बिल्डिंग वाला था जो पीक कर रहा था। मैंने की स्मोक के अंदर मैंने इसका उठाया सामान, तो उतनी देर में वो उसने ऊपर उसे रिवाइव करवा दिया। तो मैंने कहा यार ऊपर वाली स्टोरी में जाके देखूँ वो पीक करने वाले का क्या बना है। अब ये नीचे भी एक बंदा फिर रहा है हमारे, ये जो बंदा है ये हमसे फाइट नहीं करेगा। ये बंदा असल में आया था कि जब मैंने उससे फाइटिंग की थी ना तो ये उसके दौरान रश करने आया था, लेकिन ये मौका दे के भाग गया। अब नंबर 4 भी हमारे पास आ चुका है सारे मामले के बाद, क्योंकि जब उसने देखा यार मैं फाइट करने गया हूँ तो वो भी निकल आया वहाँ से। अब ये एक और आया पीछे से सोलो, ये जिसके फुटस्टेप नज़र आ रहे हैं इनको ये फिनिश कर देंगे, ये सोलो फिनिश करेगा जैसे ही, तो मैं वो पीक वाले को फिनिश करूँगा। वो पीक वाला फौरन मौका देख रहा था कि जैसे नज़र आए तो मैं इनको फिर नॉक करूँ, तो ये भाई नीचे उसको फिनिश कर रहे थे मैंने उसको नॉक कर दिया।
अब मुझे लगा कि एक फिनिश हो गया है, एक नॉक हो गया, अपना भी फिर पीछे जारी बात है, फाइटिंग में एक नॉक हो गया क्योंकि वो सामने वाला फायरिंग कर रहा था तो इसको डैमेज पहले ही था उसे मारते हुए, तो उसने वही काम किया जब वो मेरे साथ कर रहा था कि फाइटिंग के दौरान पीछे से फायर कर रहा था। अब यहाँ पर मैंने तो उसको जब नॉक किया तो मैंने कहा यार अभी तो इनकी स्क्वाड, ये बंदा जो था ये तो रैंडम था, इनके स्क्वाड का तो एक बंदा फिनिश हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि इसको पीछे रिवाइव करवाने वाला भी बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ पे रैंडम फायर करूँगा कि कोई और पीक करे, कोई और आए कि वो मुझे नॉक करे, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो मैंने आपको बताया ना प्रोफेशनल स्क्वाड्स का बहुत प्लानिंग से और एक अच्छी गेम का ये लोग भी मुजाहरा कर रहे थे सामने वाले, लेकिन मैंने कहा था नहीं भाई, ब्लैक ड्रोन लॉबी में आया तो लोगों के पूरी स्क्वाड के सर लेके ही जाएगा, ऐसे ही नहीं। तो मेंबर 4 को ही मैन की पावर चढ़ गई, पता नहीं है सुपर मैन बन गया उसने, जाती उससे ऊपर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और अकेले ही भाग पड़ा। पीछे नंबर 1 और 2 भी भाग पड़े ऐसे कि चलो एक नॉक है तो बस फिनिश करे जाके बस, लेकिन मुझे पता था भाई बंदे तैयार बैठे हैं आगे उड़ाने के लिए हमें, और रिवाइव तो वो हो ही गया था। अब मैंने कहा कि यार ये कहीं तीनों नॉक ना हो जाए क्योंकि वो कैंपर किस्म की प्लानिंग से खेल रहे हैं। तो इसी दौरान मैं पीछे फायर कर करके जाता रहा कि कोई खिड़की से अचानक फायर करे तो मैं से उड़ाऊँ, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था ये इस बिल्डिंग में अब नहीं है, इन्होंने बिल्डिंग ली है बदल, क्योंकि प्रोफेशनल स्क्वाड कभी भी एक जगह पे नहीं रहेगी। ये मेरी वो भूल होगी कि वो एक ही जगह पे रहेंगे, या तो वो सैंडविच हो चुके होंगे तब रह सकते हैं, वो तो चले मुझे समझ आता, वो तो हर कोई तब भी रहेगा, लेकिन वो एक ही जगह पे नहीं थे। मुझे तो लगा कि इस बिल्डिंग में एक बंदा है इनका, जो नॉक हुआ है वो नहीं होगा, ये फ्रेश होगा। लेकिन यहाँ पे दरवाजे और फायर वगैरह तो ये थे पर बंदा कोई नहीं था। फिर इसी दौरान वो नंबर 1 या नंबर 2 ने मार किया, यार उस बिल्डिंग में देखो वहाँ पे है। अच्छा तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है ये एक ही बिल्डिंग में इकट्ठे हो गए सारे, मैं अपनी तरफ बुलाने के लिए और मैं फिनिश करने के लिए। तो मैंने जैसे पी किया ना होलो से तो मुझे एक मूवमेंट नजर आई साइड पे, मैंने कहा बिल्डिंग चेंज करें इससे पहले अपनी पोजीशन ले लेंगे, वो पोजीशन ही उन्होंने अभी तक ली थी, ये उनकी गलती थी। अब मैंने कहा यार उन्होंने तो चले गलती की है तो हम फिर और बड़ी गलती करके हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। इसी दौरान मैं पोजीशन से सारी बिल्डिंग स्टोरी देखते रहे कहाँ कहाँ पे मौजूद है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया बिल्डिंग के एक किस फ्लोर पे हैं। अब ये भाई जो थे ना इनको ऊपर भेजा गया था नंबर 3 को कि जी आपने ऊपर से कवर देना है जी, वो छत के ऊपर चढ़े तो आपने मारना है। मैंने कहा यार इतना टाइम नहीं है उन कि बंदा उनको इतना टाइम दे, वो तो फिर हमारी जलेबियाँ बना बना के खाएंगे। तो मैंने लगाई यहाँ से छलांग डायरेक्ट, भी आप देखेंगे ये लगाई मैंने छलांग डायरेक्ट और पी ये पी के अंदर लगाई है, उम्मीद नहीं थी सही लगे कि पर लग गई। तो मैं घुसा बिल्डिंग के अंदर, अब मुझे यहाँ पे फुटस्टेप नज़र आए, मैंने कहा ऐसी स्टोरी नहीं है, और इस भाई को देखें अंदाज़ा ही नहीं हुआ, बहुत लेट अंदाज़ा हुआ इसको। और ग्रेनेड वो मेरे नीचे से साथी ने फेंका था, वो तो शुक्र है मैं अंदर आ गया वरना मैंने ही नॉक हो जाना था इसको। मैंने कहा फिनिश, और अब पीछे से इसके दोनों आ जाएंगे। अब मैंने कहा था इसको भी करूँगा नॉक, जो ऊपर से आया गन चेंज की और ये गया, ये गया, वो भी गया। अब अगले में काम ख़राब हो गया, मेरी पिंग ज़्यादा थी, मेरा फ्रेम मिस हो गया, मैं आपके सामने नीचे को गया था लेकिन बाद में मैं अचानक उस बंदे के सामने ऊपर आ गया फ्रेम मिस होने की वजह से, तो मैं हो गया नॉक, लेकिन इन्होंने फिनिश कर दिया उसे भी, तो स्क्वाड पूरी हो गई वाइप आउट। तो गाइस ये थी हमारी एक इंटेंस फाइट, तो रिवाइव हो जाएंगे हम और फिर हम आगे चिकन डिनर की तरफ जाएंगे। पूरी वीडियो मैंने बनाई नहीं चिकन डिनर की क्योंकि यार फाइटिंग मोड मैंने दिखाना था आप लोगों को। तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और मेरे प्यारे दोस्तों आगे शेयर भी कर देना, और जो जो मेरे साथ इन वीडियोस के अंदर शामिल होना चाहता है, अपना प्ले दिखाना चाहता है, तो मेरी पबजी आईडी गिवन होती है यार, सारे लिंक्स गिवन होते हैं डिस्क्रिप्शन में, आपने क्लिक करके वहाँ पे पहुँच जाना है, मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, तो आपके साथ भी एक गेम ज़रूर प्ले करेंगे। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो देखना ना भूलिएगा अंडरवर्ल्ड माफिया प्लेस का पंगा। यार जाने से पहले मैंने कहा यार आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो लाइव स्ट्रीम पर भी आया करें। तो लाइव स्ट्रीम पर आने के लिए बेसिकली फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम चलती है हमारी, तो उसका भी लिंक मौजूद है, तो लाइक कर देना अपने पेज को भी, और जो बेल आइकन है
राइट कॉर्नर पे ऊपर आता है, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे कर दें तो आपको लाइव के तमाम नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।